पीएमएस क्या है, किस तरह से ये हमको प्रॉब्लम करता है, कैसे हम इसको टैकल कर सकते हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर निधि जैन है। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। ऑपुलेंस क्लिनिक साउथ सिटी वन में प्रैक्टिस करती हूँ। पीएमएस यानी प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के बारे में मैं आज आपको कुछ बताऊंगी। ये एक हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से, मूड के चेंजेस के कारण जो प्रॉब्लम होती है उसका इफेक्ट होता है, जिसमें पेशेंट्स को मूड चेंजेस, चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, या बहुत ज़्यादा डिप्रेशन की फीलिंग होना, काम में मन ना लगना, ये सारी फीलिंग्स होती हैं। काफ़ी बार पेशेंट्स को ब्लोटिंग की भी फीलिंग होती है कि उनका वेट बढ़ गया है, जो कि मतलब पीरियड्स के बाद यूजुअली ठीक हो जाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट है इसको आइडेंटिफाई करना कि प्रॉब्लम है, और फिर डॉक्टर के पास जाके इसका ट्रीटमेंट लेना भी ज़रूरी है। पीएमएस का सबसे इम्पॉर्टेंट इलाज है एक रेगुलर एक्सरसाइज शेड्यूल और हेल्दी डाइट। एक्सरसाइज से हमारी बॉडी में हेल्दी हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं जो पीएमएस को कम कर सकते हैं। हेल्दी डाइट मतलब फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हमको डेफिनेटली अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए, और जितना हो सके जंक फूड कम करना चाहिए। इसके बाद भी अगर डिप्रेशन इस हद तक चला जाता है कि पेशेंट से मैनेज नहीं होता, तो हम एंटी डिप्रेसेंट्स ऐड कर सकते हैं या कुछ डायूरेटिक्स ऐड कर सकते हैं, जिस वजह से पेशेंट्स के सिम्टम्स थोड़े रिलीव हो जाते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण अगर ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो कभी कभी हार्मोन्स की मेडिसिन भी हमें देनी पड़ती हैं। लेकिन पीएमएस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि पेशेंट्स को फैमिली सपोर्ट मिले, फ्रेंड्स से सपोर्ट मिले, और उनको ये काउंसलिंग किया जाए कि दिस कैन बी हैंडल्ड एंड ये ज़्यादा प्रॉब्लम वाला इशू नहीं है। ये कुछ पेशेंट्स के साथ इसलिए भी ज़्यादा होता है जिनको प्रॉबेबली फैमिली में थोड़े इश्यूज़ रहते हैं या अपने रिलेशनशिप्स में इश्यूज़ रहते हैं, तो हार्मोनल चेंजेस होने के कारण एंग्जाइटी बढ़ जाती है। तो फैमिली सपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ भी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।